हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हो ऑन डे पापराजी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किया सोल के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किया सोल के बारे में, क्योंकि एक नई रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि वो इंडिया में 2022 में लॉन्च होने वाली है। एज पर अ रिपोर्ट, मतलब कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर ऑफ किया मोटर्स इंडिया, जिनका नाम है मिस्टर मनोहर भट्ट, उन्होंने ये बोला है कि हमें ऑटो एक्सपो पे किया सोल इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, इसीलिए हम सोच रहे हैं किया सोल इलेक्ट्रिक जो होगी वो बहुत ही महंगी पड़ने वाली है इन इंडिया, इसीलिए उसका नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल वर्जन किया इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया, क्योंकि उसका रिस्पांस एट द ऑटो एक्सपो बहुत ही अच्छा रहा था। सो अगर हम किया सोल की हिस्ट्री में जाएँ तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स में 2008 से बिक रही है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने 2008 मॉडल देख पा रहे होंगे, और अभी इसको रिसेंटली ही एक फेसलिफ्ट मिली है जो इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। सो अब आप अपनी स्क्रीन के सामने इसकी फेसलिफ्ट वर्जन की भी हर इमेज देख पा रहे होंगे, मतलब कि रेयर फ्रंट एंड इंटीरियर की भी। तो जैसे कि आपने देखा, दिस कार लुक वेरी गुड, और इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ टाइप ऑफ टॉल बॉय डिज़ाइन, क्योंकि जैसे हमें वैगनर में भी देखने को मिलता है इसकी जो खड़ी खड़ी सी लुक्स है थोड़ी, एंड दिस विल बी अ 5 सीटर नॉट अ 7 सीटर। सो एज ये कार है ओवर 4 मीटर लेंथ में, सो दैट मीन्स इसका जो प्राइस होगा वो सेल्टोस से मिलता जुलता ही रहने वाला है। एंड इसको पोजीशन करा जा सकता है इन बिटवीन द किया सोनेट एंड द किया सेल्टोस। जी हाँ, इसको पोजीशन करा जाएगा इफ लॉन्च्ड बिटवीन द किया सोनेट और किया सेल्टोस। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, मतलब टोटल डायमेंशन, दैट इज़ 4195 मिलीमीटर इन लेंथ, और डायमेंशंस के बारे में बात करें गाइस, सो इसकी 1800 मिलीमीटर की विड्थ है, 1615 मिलीमीटर की हाइट है, एंड 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस है। ये सेम ही व्हील बेस है एज द ह्यूंडई वर्ना जो मैंने कल ही रिव्यू करी है। सो इंटरनेशनली जो हमें इसमें इंजन देखने मिलते हैं, मेरा लैपटॉप नीचे है इसलिए मैं नीचे देख के बोल रहा हूँ। सो इंटरनेशनली जो हमें इंजन मिलता है दैट इज़ 1.6 लीटर MPI पेट्रोल, जो 123 PS की पावर जनरेट करता है, और एक है 2 लीटर का 152 PS जनरेट करने वाला MPI पेट्रोल इंजन, और एक है 1.6 लीटर का TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है 204 PS की पावर जनरेट करता। सो इंटरनेशनल मार्केट्स में इसमें डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता है। इंटीरियर के फीचर्स के बारे में बात करें, इंटीरियर में हमें कुछ 10.25 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है विद स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन, और 8 इंच की हेड्सअप डिस्प्ले, 640 वॉट के 10 स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, 8-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, और बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये कार जो है ये क्रॉसओवर है, बट मेनी इंडियंस डोंट लाइक क्रॉसओवर्स, फिर भी इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी ग्रेट। ये फ्रेश और यंग सा डिज़ाइन है विच आई पर्सनली लाइक। सो अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका प्राइस कुछ शुरू हो सकता है अराउंड 10 या 950 से, टू टॉप मॉडल अराउंड 18 लाख तक का। सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन, ताकि हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियोज़ पे नोटिफिकेशन पा सकें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो।